चारों तरफ आग ही आग। आसमान की ओर उठती लपटें, चारों तरफ दौड़ भाग करते लोग, आग बुझाने की जद्दोजहद। गाजीपुर में गुरुवार सुबह एक डरावना दृश्य देखने को मिला। दरअसल यह सीन था दिलदार नगर पावर हाउस में लगी आग का। अपनी स्क्रीन पर अगलगी का दृश्य देखकर आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि माहौल कैसा रहा होगा। गुरुवार सुबह 5:45 पर दिलदार नगर पावर हाउस पर आग लगी। मंजर दिल को दहला देने वाला था। आप खुद देखिए कि कैसे लोग और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप लेकर आग की तरफ दौड़ रहे हैं। सब मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि आग पर कैसे भी हो काबू पाया जा सके। आपको बता दें कि आग की सूचना मिलते ही पावर हाउस के कर्मचारी हरकत में आए। इस घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए फायर विभाग की टीम को बुलाया गया। काफी कोशिशों के बाद सुबह 9 बजे के करीब जाकर आग पर काबू पाया गया। आइए अवर अभियंता तापस कुमार से इस घटना की विस्तार से जानकारी ले। मेरा नाम तपस कुमार प्रसाद, दिलदार नगर और अभियंता हूँ। विद्युत उपकेंद्र दिलदार नगर में आग लग गई है ट्रांसफार्मर, क्या है पूरी कहानी? कहानी है कि सारी रात सप्लाई अच्छी चली है, 5:45 पर फोन आया कि लाइन ट्रिप हो गई है। फिर एक बार ट्राई कराया गया तो लाइट होल्ड हो गई है। 5:55 अचानक ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के साथ आवाज़ हुई है। हमारे SSO मौके पर मौजूद था, दौड़ के पीछे देखा गया तो बहुत तेज़ी के साथ लपटें निकल रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब आई है? तत्काल जैसे ही हमको ये सूचना मिली मौके पे, हम लोग तुरंत 112 को फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए और जितने कर्मचारी हमारे हैं खुद हम अपने उच्चाधिकारियों को बताते हुए मौके पर यथाशीघ्र पहुँचे। सर कितने की क्षति हुई होगी ऐसा अनुमान कुछ? ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा कि कितने की क्षति हुई है, अभी फिलहाल जाँच होगी उसकी। विद्युत आपूर्ति तब से बंद है और कब तक, कितने देर तक उम्मीद है कि जो है मिल जाएगी लोगों को? बहुत जल्द ही व्यवस्था करके सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। आपको बता दें कि आग बुझाने की इस प्रक्रिया के दौरान मौके पर XCN महेंद्रनाथ मिश्रा, सहायक अभियंता श्याम नारायण चौरसिया, अवर अभियंता तपस कुमार, सुपरवाइजर विनय तिवारी और GMT कपिल गुप्ता भी मौजूद रहे। प्राथमिक रूप से शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। आग लगने से कुल 6 फीडरों के साथ ही लगभग 48 गांव की बिजली गुल हो गई। जिन इलाकों की बिजली प्रभावित हुई है उनमें दिलदार नगर बाजार, पचोखर, कर्मा, धनौत, फुल्ली, बभनवलिया, सूर्यभानपुर, धनाड़ी, अमौर, अरंगी, खजूरी आदि जगहों की बिजली गुल हो चुकी है। बिजली विभाग के मुताबिक इस आग लगने की घटना में 10-10 MVA के 2 ट्रांसफार्मर जले हैं। दिलदार नगर से नीतू यादव की रिपोर्ट। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।